उत्तराखंड के चमोली में लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने 7 अंतर जनपदीय बैरियर लगाए हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि चुनाव के चलते अवैध शराब, अवैध शस्त्र, अवैध कैश, अवैध मादक पदार्थ और प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियों के परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही 7 अंतर जनपदीय बैरियर भी लगाए गए हैं। अंतर जनपदीय बैरियर का मुख्य उद्देश्य चुनाव संबंधी प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियों, अवैध शराब, अवैध शस्त्रों के परिवहन पर अंकुश लगाना है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमने शुरू में ही पुलिस और जो एक्साइज है उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके हमने 7 जो है ऐसे अंतर जनपदीय हमारे बॉर्डर है जहां पर हमने बैरियर स्थापित किए हैं, इसमें हमारी टीम्स भी तैनात हैं। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारा नोटिफिकेशन का डेट है जो 20 मार्च, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी जनपद में जगह जगह पर स्थापित है जो लगातार इसमें पुलिस और एक मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार उसमें चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगातार हमारे द्वारा जो अवैध लिकर है या नारकोटिक्स है उसके भी सीजर उसमें किए जा रहे हैं। आगे भी यही निर्देश दिए गए हैं कि इस पर जो कार्रवाई है वो सख्त रहे ताकि किसी भी तरह का निर्वाचन प्रक्रिया में इन ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग करके किसी को भी प्रलोभन न किया जाए।